जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे देशवासियों, क्षेत्रवासियों, नौजवान साथियों, मैं अजीत फौजी सुंगरपुरिया, ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोसम का डायरेक्टर, जो कि 53 आर्मर रेजिमेंट से प्रीमैच्योर रिटायरमेंट हूँ। दोस्तों, मैं 1998 में आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर में भर्ती हुआ और मैंने 16.5 साल नौकरी करने के बाद वो 2015 में प्रीमैच्योर रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद मैंने फैसला किया कि देश सेवा के लिए अच्छे अच्छे लड़के तैयार करूं, तो एकेडमी से कोई बड़ा प्रावधान नहीं था, तो इसलिए मैंने 1 मई 2015 को ओम स्पोर्ट्स के नाम से एकेडमी ओपनिंग की और आज 16 अक्टूबर 2020 को हमारी एकेडमी को लगभग 5.5 साल हो गए। 5 साल में हमारी एकेडमी से लगभग 90 लड़कों का सिलेक्शन हो चुका है। ये लड़के सभी क्षेत्रों में गए हैं। हमारे लड़के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, पुलिस और स्टेट पुलिस वगैरह, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, सभी में ज्वाइन किए हैं। तो इस प्रकार से हमने देश सेवा और समाज सेवा का अपना वादा पूरा किया। साथियों, जो मैं भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ, ये जो भर्ती है यूनिट हेडक्वार्टर कोटा, यूएचक्यू इनरोलमेंट बोलते हैं इसको, यूनिट हेडक्वार्टर कोटा की ये रिक्रूटमेंट रैली 2020-21 है। ये जो भर्ती है वो आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर करेगा। ये जो सेंटर है ये औरंगाबाद और पुणे के मध्य महाराष्ट्र में स्थित है। इस भर्ती को 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच ऑटो रेजिमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। इसमें सोल्जर क्लर्क एसकेटी, सोल्जर जीडी, सोल्जर ट्रेडमैन 8वीं पास, सोल्जर ट्रेडमैन 10वीं पास के भर्ती होगी। इसके अलावा इसमें गेम कोटा जो है ओपन है। जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन और म्यूजिशियन, जो किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं, उनके लिए ये भर्ती ओपन है। वो किसी को भी, उसे जो म्यूजिशियन से जिसने योग्यता है वो जा सकता है, या आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है जिसके पास नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट का, यूनिवर्सिटी का कोई भी सर्टिफिकेट है जो कि खेल से संबंधित है, लेकिन वो 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और इस भर्ती का जो टेस्ट है, जो रिटर्न एग्ज़ाम है, वो 28 फरवरी 2021 को कंडक्ट किया जाएगा। जो प्रायोरिटी की बात करें तो जो प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा हर सेंटर में वार विडो को दी जाती है। जो युद्ध में शहीद हो गए भाई, फौजी भाई, उनके लड़के हैं, विधवाओं के, उन लड़कों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। इसके अंदर इंक्लूड लीगली अडॉप्टेड सन है, जो कि कानून द्वारा वैध हैं, और जो अडॉप्टेड किए गए लड़के हैं उनकी भी भर्ती, इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। सेकंड प्रायोरिटी जो रियल ब्रदर हैं, जिनके भाई जो कि शहीद हो गए हैं, जो बैटल कैजुअल्टी हो गए हैं, उनको सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है रियल ब्रदर को। एक और खुशी की बात है कि इसके अंदर हमारे जो आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल में जो भी, जिसके बच्चा नहीं है शहीद के, उसकी जो लड़की है उसका जो हस्बैंड है, अडोप्टिव डॉटर है, उसका भी लीगली तौर पर हस्बैंड को भी इसमें थर्ड प्रायोरिटी दी जाती है। भाइयों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जो सोल्जर क्लर्क एसकेटी में भर्ती देखना चाहते हैं तो आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल का ही रिलेशन होना चाहिए, चाहे बाप का हो चाहे भाई का, लेकिन आर्मर्ड कोर का सेंटर एंड स्कूल का ही रिलेशन होना चाहिए। जीडी और ट्रेडमैन के लिए किसी भी आर्मी के किसी भी सेंटर से, रिकॉर्ड से जो आपने रिलेशन सर्टिफिकेट बनवाया है वो चलेगा, लेकिन क्लर्क के लिए खुद का सेंटर का होना ज़रूरी है। भाइयों, ये भर्ती बहुत बड़े स्तर पर होती है आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल की, जो दूसरे ग्रुप के रिलेशन हैं उन बच्चों के लिए, खास करके जो जीडी में भर्ती देखते हैं या स्पोर्ट्समैन हैं जो भाई, उनके लिए और म्यूजिशियन के लिए बहुत बढ़िया मौका है इस भर्ती में जाने का।
ये आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल की भर्ती जो 1 दिसंबर 2020 से शुरू होगी, जिसका टेस्ट 28 फरवरी 2021 को होगा, आप इस भर्ती में जा सकते हैं। जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।